So guys, welcome to all of you here, and this is an important video for all of you guys. Here I am going to share important information for all of candidates who are going for Air Force X and Y group training. Basically, lots of candidates asking me, brother, tell me about Air Force joining. So उसी के regarding यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है? So होने के वाला क्या सीन है मैं बता देता हूँ. पहला नंबर तो मैं कॉन्ग्रेट्स उन सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने आज परीक्षा पे टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद अच्छा खासा स्कोर किया. टेलीग्राम चैनल पे चैट वाले जो अपना चैनल है ऑनलाइन एजुकेशन चैट फर्स्ट, उस पर मैंने स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड किए जिन जिन लोगों ने अच्छा स्क्रीनशॉट मुझे पर्सनल किया, जिनके पास नंबर है बाई चांस पा जाता है, ठीक है कोई ना. सो उनको मैंने वहाँ पर फॉरवर्ड किया और कोई नहीं, तो जिन लोगों ने अच्छा स्कोर किया ऑल द बेस्ट ब्रो, ठीक है. नेक्स्ट टाइम आपका होगा ज्वाइनिंग, क्योंकि मैं बेसिकली जो वीडियो बनाने वाला हूँ उन्हीं लोगों से बनाने बनाने वाला हूँ. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है उन कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पे एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं. एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की अभी मैं जस्ट कुछ देर पहले वर्कआउट करके आया, सो ख़त्म है, बीएनजी गई है पूरी सी, मतलब थोड़ा सा पसीना की वजह से, बट कोई नहीं. और मेरा फ़ैन भी ऑफ, मतलब ऑन है ब्रदर. रीज़न वही है कि गर्मी बहुत होती है और मेरी वॉइस का भी हो सकता है कोई इशू हो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ लास्ट टू डेज से थोड़ा सा फीवर एंड जुकाम टाइप थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, सो इस वजह से. बट कोई नहीं, अभी मैं अभी मेन टॉपिक पे आता हूँ. लॉट्स ऑफ कैंडिडेट आस्किंग मी ब्रदर, ये बताओ कि इस बार कह रहे हैं कि 4 महीने का ट्रेनिंग होगा बेसिक वाला जो होता है. सो मैंने आज बात किया जो कैंडिडेट इस बार ट्रेनिंग पे गए, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला हाँ, मतलब कि सर लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे जैसे कि अभी आप जाओगे, ठीक है, 2 सितंबर लास्ट है जो कैंडिडेट जाएंगे वहाँ पे, लास्ट जो कैंडिडेट पहुँचेगा 2 सितंबर तक वहाँ पे जाना है ट्रेनिंग सेंटर बेलगावी में, ठीक है. तब तक आपका स्टैंड बाई मेन जो भी होंगे, स्टैंड बाई पे मैं बता दूँ, जो कैंडिडेट पूछते हैं ना कि भाई स्टैंड बाई मेन का कितना क्या अनफिट हो रहा है, एवरेज जब भी कैंडिडेट जा रहे हैं. आज मैंने पूछा जिस कैंडिडेट से, मैंने 2-3 कैंडिडेट से बात किया, तो उन्होंने बोला भाई कि ओवरऑल जो अब्सेंट हो रहे हैं 5 से 6 डेली, तो अगर मैं बोलूँ तो 100 तक तो आराम से क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है. बट आगे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं का तो मुझे नहीं पता, सो सॉरी. तो कह रहे हैं कि 4 महीने का बेसिक ट्रेनिंग होगा, मीन्स जो होता है उसके बाद बेलगावी से आपको दूसरे सेंटर ट्रेड आपका मिल जाता है, लाइक आपको चेन्नई या फिर आपको बेंगलुरु भेज दिया जाएगा अलग अलग ट्रेड्स के अकॉर्डिंग उसी बेस पे. सो क्या ऐसा कुछ होने वाला है? सो हाँ, इन्फॉर्मेशन सही है, मैंने बात किया, उन्होंने बोला हाँ वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है. ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ये मुझे भी नहीं एग्जैक्ट पता, बट कहना उनका भी है, ठीक है. अभी यार मैं किसी का नाम नहीं रिवील कर रहा हूँ, और ये मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ इसके पीछे का लॉजिक भी बता देता हूँ. लॉजिक वही है कि एक स्क्रीनशॉट भेजा मुझे और एक कैंडिडेट ने बोला कि ऐसा हो रहा है, किसी यूट्यूबर ने ही आई थिंक वीडियो बना के डाला यूट्यूब पर, और उसने मुझे, मतलब तब कैंडिडेट ने मुझसे पूछा भाई ऐसा है क्या, क्योंकि 2 सितंबर अभी तो बहुत लोगों का ज्वाइनिंग अभी तो स्टार्ट हुआ है ज्वाइनिंग पे जाना, 2 जुलाई से ही तो स्टार्ट हुआ है ज्वाइनिंग पे जाना, 4 जुलाई को फर्स्ट वहाँ पे रिपोर्टिंग था. सो मेरा ओवरऑल कहना है कि एवरीथिंग डिपेंड ऑन एयरफोर्स, आपका एग्ज़ाम. मैं कह रहा हूँ 4 महीने देखा ट्रेनिंग कम कर दिया, नेक्स्ट बैच वाले बताओ 2 महीने बढ़ गया. जुलाई पे नोटिफिकेशन आता था हर बार जुलाई पे एयरफोर्स का, अगर आप नेक्स्ट वैकेंसी का भी वेट कर रहे हो, सो जुलाई पे वेट मतलब आता था नोटिफिकेशन एक्स एंड वाई ग्रुप का, समझे. उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अदर्स का, सो अदर्स का भी सेम प्रोसेस सेम थिंग. तो टेंशन ना लो, ठीक है, अपनी तैयारी रखो. और 4 महीने का ट्रेनिंग हो, 6 महीने की ट्रेनिंग हो, स्टैंड बाई हो, मेन हो, अगर आप 100 तक स्टैंड बाई में हो तो डैम श्योर आपका क्लियर होने वाला है. अगर आप एयरफोर्स एग्ज़ाम की तैयारी करो और वेट करो एग्ज़ाम का डेट कब तक आएगा, तो मैं 1 सितंबर पर आने वाला हूँ. और अगर कोई भी डाउट है तो मैं हूँ ना, और हो सकेगा तो मैं स्क्रीनशॉट शो कर दूंगा एक दो स्क्रीनशॉट, अदरवाइज मैं स्क्रीनशॉट नहीं शो करने वाला. बिलीव कर लो थोड़ा सा कि 4 महीने का हाँ वो लोग बोल रहे हैं, क्योंकि किसी का भी स्पेशल मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहिए, ठीक है. ऐसा वो तुम्हारे साथ में शेयर कर रहा कि भाई ऐसा वैसा और आप दूसरों के साथ में शेयर कर दो, वो शेयर करने वाली चीज़ नहीं है ना. इतना तो मान ही सकते हो कि आप जाओगे या कुछ दिनों बाद आपके दोस्त जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ होने वाला, अदरवाइज सभी के सभी क्वारंटाइन है 14-15 दिन के लिए. अभी फ़ोन सभी के पास है और कुछ दिनों बाद वो सभी के सभी ले लिए जाएंगे. बाकी आप तैयारी करते रहो, आपका जो भी डाउट बनता है मुझसे पूछो किसी भी टाइप का, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा. एंड हाँ, परीक्षा के बारे में मैं बोलता रहता हूँ, हमेशा बोलते रहता हूँ, वो इस वजह से बोलता रहता हूँ क्योंकि मेरी आईज का मुझे कराना है कुछ, तो अब सभी देखते रहिए, ठीक है. कोई भी अगर आप टेस्ट सीरीज बाई करते हो तो मेरा कूपन कोड ऑनलाइन D40 जरूर डालना. परीक्षा पे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप नेवी SSR, एंड बात कर लेते हैं
NDA या फिर MR किसी की भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, बोथ लैंग्वेज पर। आप सभी ने आज टेस्ट भी दिया होगा, देखा होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन आता है। सो आप सभी जाइए, परफॉर्म कीजिए और अपना स्कोर बताइए कैसा स्कोर रहा। कोई भी टेस्ट सीरीज बाई करना तो मेरा कूपन कोड ऑनलाइन D40 जरूर डालना, उससे फ़ायदा होगा आपको भी और मुझे भी होगा, तभी मैं बोलता हूँ। सो टेक केयर, जय जय भारत, वंदे मातरम।